राधे कृष्ण भक्तों, आइए जानते हैं 5 जुलाई 2023 दिन बुधवार को जन्मे बच्चे का नाम, राशि, नक्षत्र, तिथि, योग, पक्ष, राशिफल, गंडमूल दोष है या नहीं, उसके बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके बच्चे का जन्म 5 जुलाई को सुबह 12:22 से सुबह 5:39 के बीच हुआ है तो बच्चे का जन्म नक्षत्र होगा उत्तर आषाढ़ नक्षत्र, चौथा चरण राशि होगी मकर। नाम का पहला अक्षर जी, पाया होगा ताम्र। अगर आपके बच्चे का जन्म 5 जुलाई को सुबह 5:40 से सुबह 10:58 के बीच हुआ है तो बच्चे का जन्म नक्षत्र होगा श्रवण नक्षत्र, पहला चरण राशि होगी मकर। नाम का पहला अक्षर घी, पाया होगा ताम्र। अगर आपके बच्चे का जन्म 5 जुलाई को सुबह 10:59 से शाम को 4:17 के बीच हुआ है तो बच्चे का जन्म नक्षत्र होगा श्रवण नक्षत्र, दूसरा चरण राशि होगी मकर। नाम का पहला अक्षर खू, पाया होगा ताम्र। अगर आपके बच्चे का जन्म 5 जुलाई को सुबह शाम को 4:18 से रात्रि 9:36 के बीच हुआ है तो बच्चे का जन्म नक्षत्र होगा श्रवण नक्षत्र, तीसरा चरण राशि होगी मकर। नाम का पहला अक्षर खे, पाया होगा ताम्र। अगर आपके बच्चे का जन्म 5 जुलाई को रात्रि 9:37 से 6 जुलाई की सुबह 2:56 के बीच हुआ है तो बच्चे का जन्म नक्षत्र होगा श्रवण नक्षत्र, चौथा चरण राशि होगी मकर। नाम का पहला अक्षर खो, पाया होगा ताम्र। 5 जुलाई 2023 दिन बुधवार को गंडमूल दोष नहीं है, पक्ष रहेगा शुक्ल पक्ष, तिथि रहेगी द्वितीया सुबह 10:02 तक, उसके उपरांत तृतीया, योग रहेगा वैद्यति सुबह 7:48 तक, उसके उपरांत विषकम 6 जुलाई को सुबह 3:49 तक, उसके उपरांत प्रीति योग लग रहा है। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।